धर्मशाला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को नगर निगम धर्मशाला का प्रभारी बनाया गया है। वहीं धर्मशाला में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नगर निगम चुनावों को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में 17 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए जो की 17 वार्डो में जाकर प्रत्याशियों का सर्वे करेंगे और 10 तारीख तक प्रत्याशियों के नामों की सूची जमा करवाएंगे। वहीं कांग्रेस का निर्णय साफ है कि कांग्रेस टिकट उसे ही देगी जो विजय प्रत्याशी होगा और सर्वे में इसी पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नगर निगम धर्मशाला के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बैठक की है। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे तथा 17 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई जो कि प्रत्याशियों के नामों का सर्वे करेंगे। कांग्रेस में टिकट उसी को दी जाएगी जो विजय प्रत्याशी होगा। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार को 3.5 साल हो गए हैं और सरकार बताए कि सरकार ने इस दौरान धर्मशाला में क्या विकास किया है, स्मार्ट सिटी में धर्मशाला सरकार ने कितना कार्य किया है जब उनके विधायक यहां पर सत्ता में मौजूद रहे हैं। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गुटबाजी अब खत्म हो चुकी है, नगर निगम के चुनावों में सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के बाद अगर किसी ने अनुशासनहीनता की तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कोई आनाकानी करता है तो उनसे भी बात की जाएगी। वन मंत्री राकेश पठानिया के बयान को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे हमें जवाब दें कि काला अध्याय की बात करते हैं लेकिन उससे पहले जो हमने अध्याय लिखा है उसका जवाब दें। कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं, स्मार्ट सिटी नगर निगम बनाया, केवल कार किसकी देन है, सबसे पहले इसका जवाब दें, उसके बाद हमसे बात करें। पिछले 3.5 साल में जो कार्य किए हैं उसका जवाब हमें दें, उसके बाद बात करेंगे। चर्चा ये की गई कि चुनाव कैसे जीतना है और निश्चित तौर पर जो विकास हमारे पूर्व विधायक सुधीर शर्मा जी ने यहाँ करवाया, चाहे वो स्मार्ट सिटी को लेकर था, चाहे वो धर्मशाला को नई कारपोरेशन दिए, आज़ादी के बाद ये दूसरी कारपोरेशन बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस विकास को जब ये चुनाव हार गए, हमारे जो मेयर है प्रत्याशी जग्गी जी ने आगे बढ़ाया, तो आज सवाल ये पैदा होता है कि इतना काम करने के बाद हम ये चुनाव कैसे जीते। पिछले चुनावों में विधानसभा चुनावों को पैमाना ना मानते हुए सब लोगों ने एक तरीके से एक बात कही है कि हम लोग एकजुटता का परिचय देंगे और जो प्रत्याशी है वो एक कमेटी अपने तरीके से सबका बायोडाटा लेकर बात करके फिर उसकी घोषणा करेंगे। और सुधीर जी ने भी कहा कि इस चुनाव को हमने युद्ध की तरह लड़ना है, मैंने को इसमें हम और जग्गी जी ने भी कहा कि हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। कुछ लोग अगर आनाकानी करते ना, होते हैं, हर राजनीतिक चर्चा होती है, उनके साथ भी हम बैठकर बात करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से उनको वो जो काला अध्याय की बात करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने अध्याय लिखा है उस पर वो जवाब दे। हमने अध्याय लिखा स्मार्ट सिटी किसकी देन है, हमने अध्याय लिखा धर्मशाला नगर निगम किसकी देन है, हमने अध्याय लिखा पहली धर्मशाला में केवल कार किसकी देन है। तो ये सब चीज़ें पहले इन तीन बातों का नगर निगम के जो कार्य है इन तीन बातों का जवाब दे। और केश पठानिया जी बताए कि आपने जो काला अध्याय कांगड़ा की राजनीति और धर्मशाला की राजनीति के लिए कहा है, कोई एक कार्य पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से जयराम जी की सरकार आई है, एक कार्य भी अगर धर्मशाला में गिना देंगे तो हम आप जो कह रहे हैं उसकी हर बात का जवाब देंगे।